ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और गाइस अप्रोक्स आप लोग माइलेज 31 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो हेलो गाइज, मैं हूँ अनिमेश, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एवी मोटो ब्लॉग। सो गाइज, आज का जो ब्लॉग होने वाला है, पीछे देख सकते हो हास्को वर्ना स्क्वाड पिलियन। सो आज का जो पूरा ब्लॉग होने वाला इसी बाइक के ऊपर, फुल रिव्यू मैं दूंगा, फुल डिटेल्स आप लोगों को इस ब्लॉग में मिल जाएगा। और ऑन रोड प्राइस मुझे पड़ा है इस बाइक का 2,20,000 आसपास, जो भैया लिया है उससे मैंने पूछा है। सो टेस्ट राइड का ब्लॉग मैं अलग से बनाऊंगा और ये सिर्फ रिव्यू का ब्लॉग है, फुल डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगा। अगर मैं रिव्यू में टेस्ट राइड का ब्लॉग डाल दूँ तो बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, इसलिए मैं अलग अलग से कर रहा हूँ। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, अगर कोई क्वेरी आएगा ज़रूर कमेंट करना। अगर आप लोग चैनल में नए हो तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दो, अगर वीडियो अच्छा लगे ज़रूर एक लाइक करके जाना। सो गाइस, चलो रिव्यू स्टार्ट करते हैं। पहले गाइस फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में आप लोगों को एकदम राउंड शेप में यूनिक डिजाइन का हेडलाइट मिल जाता है और रिंग लाइट की तरह DRL, और बीच में हस्को वर्ना के एक बैजिंग भी मिल जाता है। अभी बाइक के जो लाइट है वो अपर में डिपर में करके दिखा रहा हूँ कि अपर डिपर जब करोगे तो ऐसा रहेगा। और इंडिकेटर आप लोगों को LED मिल जाता है, रियर लुक भी दिखा देता है, रियर टेल लाइट कुछ इस तरह की है और लुक कुछ ऐसा दिखता है पीछे से। और रियर में भी आप लोगों को LED इंडिकेटर मिल जाता है और पीछे का डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक है और आई कैची भी है। अभी गाइस फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में आप लोगों को WP एपिक्स का USD फॉक मिल जाता है 43mm साइज़ में, अपसाइड डाउन, और एक रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है। और फ्रंट का एलॉय का डिज़ाइन देख पा रहे हो गाइस, बिटप्लिन से काफ़ी अलग है। फ्रंट का जो एलॉय है 17 इंच का एलॉय व्हील मिल जाता है फ्रंट में आप लोगों को। और गाइस फ्रंट डिस्क का जो साइज़ है 320mm वाइब्रेट कैलिपर के साथ, काफ़ी बड़ा डिस्क दिया है फ्रंट में। एलॉय व्हील का डिज़ाइन भी काफ़ी मस्कुलर है और इधर पे रिम टेप मिल जाता है, इधर पे भी स्क्वाड पिलियन लिखा हुआ है। फ्रंट टायर की साइज़ है 110/17 सेक्शन की रेडियल ट्यूबलेस टायर मिल जाता है गाइस। और अभी गाइस रियर जो व्हील है, रियर व्हील की बात करते हैं, रियर व्हील का साइज़ है 17 इंच का एलॉय व्हील मिल जाता है, 150/60 सेक्शन की ट्यूबलेस टायर मिल जाता है रेडियल टायर, और ग्रिप भी काफ़ी अच्छा है। डिस्क साइज़ है 230mm, डुअल चैनल ABS के साथ आता है। और गाइज इस बाइक में दो मोड भी आते हैं, उन मोड से आप लोग ABS को ऑन ऑफ भी कर सकते हो। अभी आते हैं गाइज मेन पार्ट इंजन में। इंजन का ऊपर पे जो फ्रेम है देख पा रहे हो KTM की तरह फुल ब्लैक है, सिर्फ इंजन का कलर चेंज है। 248.76 cc 4 वाल्व का इंजन है। BHP प्रोड्यूस करता है 29.63 at 9000 RPM तक, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 24 Nm at 7500 RPM तक। और गाइस अप्रोक्स आप लोग माइलेज 31 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बाइक से। काफ़ी पावरफुल बाइक है और मैं इसके बाद टेस्ट राइड का जो ब्लॉग है मैं डालूंगा। और पीछे आप लोगों को एक छोटा सा साड़ी गार्ड भी मिल जाता है। रियर लुक भी इस बाइक का काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव है, छोटा सा मडगार्ड दिया हुआ है, इधर पे आप लोग नंबर प्लेट लगा सकते हो, लेकिन इतना छोटा मडगार्ड से अगर बारिश के टाइम आप बाइक राइड करोगे तो काफ़ी ज़्यादा कीचड़ उछलेगा ऊपर की तरफ, और पिलियन अगर रहेगा तो उसके ऊपर जाएगा ही जाएगा, ये तो श्योर है। और गाइज इधर पे आप लोगों को वाइट कलर का मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है, तो हार्ड या सॉफ्ट है तो मैं राइड करने के बाद ही बता पाऊँगा कैसे है। और इधर पर एक छोटा सा प्रोटेक्शन दिया हुआ है सस्पेंशन के लिए। KTM के मॉडल पे अंडरबेली एग्जॉस्ट रहता है और इस बाइक में अंडरबेली नहीं है, काफ़ी स्पोर्टी और ब्लैक में एग्जॉस्ट दिया है, और उसके ऊपर हस्को वर्ना की एक बैजिंग भी है। और रियर जो फुटरेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छा पोजीशन में है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। बाइक काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट लुक है आप देख पा रहे हो, और इस बाइक को जो स्टाइल है इसको स्कैम्बलर लुक कहते हैं। कैफे रेसर विटप्लिन जो है वो कैफे रेसर की लुक में है और ये स्कैम्बलर, और बाइक काफ़ी स्पोर्टी लुक आ रहा है अगर अगर रोड पे आप लोग चलाओगे तो काफ़ी ज़्यादा आई कैची और रोड प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा मिलेगा इस बाइक से, क्योंकि इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं हुआ है रोड्स में। और गाइस इस बाइक में आप लोगों को स्प्लिट सीट मिल जाता है
फ्यूल टैंक का जो कैपेसिटी है 9.5 लीटर, और फ्यूल टैंक के ऊपर का जो कैप है वो भी काफ़ी यूनिक है, गोल्डन कलर में, और ऊपर में हस्कोभरना की एक बैजिंग, और टैंक के ऊपर फाइबर का कुछ दिया हुआ है, इससे आप लोगों को छोटे मोटे जो लगेज है वो इजीली कैरी कर सकते हो। और स्विच क्वालिटी की बात करते हो तो गाइस KTM के जो बाइक्स में आते हैं वही स्विच इसमें दिया है, अपर डिपर हॉर्न इंडिकेटर और पास स्विच लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में इंजन कील स्विच और नीचे सेल्फ का स्विच दिया है, स्ट्रेट हैंडल बार है, और बीच में एक छोटा सा ब्लैक कलर का रॉड लगाए हुआ है, और फ्यूल टैंक के ऊपर ही आप लोगों को की का ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है। गाइज अब अभी बात करते हैं मेरा फेवरेट पार्ट, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। फुल राउंड शेप में आप लोगों को फुल डिजिटल और सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिल जाएगा। ऊपर की तरफ FI न्यूट्रल अपर डिपर और ABS का सिग्नल देता है, और बीच में देख सकते हो कि साइड स्टैंड डाउन है वो भी शो कर रहा है। इंजन किल स्विच अगर ऑफ कर दोगे तो इंजन किल स्विच का भी शो करेगा आप लोगों को। लेफ्ट साइड में टेम्परेचर, राइट साइड में फ्यूल, बीच में क्लॉक भी दिखाता है, गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर, और ऊपर में मोड और सिलेक्ट दोनों बटन है, इससे आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। फ्यूल रेंज भी दिखा देगा ये कितना फ्यूल में कितना किलोमीटर अभी चल सकता है बाइक, ट्रिप 1, ट्रिप 2, और टोटल किलोमीटर भी इस बाइक में शो करेगा। दोनों मोड है इस बाइक में। एक छोटा सा राउंड शेप के जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, इसमें आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, सब कुछ फीचर्स इस बाइक में है, और स्कैम्बलर लुक के वजह से राउंड शेप का जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइज। सो गाइज चलो अभी बाइक को ऑन करते हैं और आप लोगों को एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। एग्जॉस्ट नोट भी काफ़ी अच्छा है, बेसिक साउंड दे रहा है एग्जॉस्ट से। और गाइज आप लोग इस बाइक को लेकर लॉन्ग टूर, ऑफ रोडिंग सब कुछ कर सकते हो, लुक्स भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन पिलियन के लिए कितना कंफर्टेबल है वो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन राइडर के लिए फुल कंफर्ट है। स्ट्रेट हैंडल बार अपराइट पोजिशन है, इसलिए गाइज आप लोग लॉन्ग राइड भी इस बाइक को लेकर कर सकते हो। और गाइज मिरर की बात करते हैं, आप लोग को टिंटेड मिरर मिल जाता है राउंड शेप में दोनों तरफ, पर की बीच में जो रॉड दिया है इस रॉड में आप लोग मोबाइल होल्डर लगा सकते हो, स्विच वगैरह जो है वो भी एक्स्ट्रा लगा सकते हो। राइडर का सीट काफ़ी सॉफ्ट है लेकिन पिलियन सीट थोड़ा हार्ड है, और ग्रैबरेल कुछ इसी तरह की है, नॉर्मल है, ग्रैबरेल में कोई भी डिज़ाइन नहीं है, कोई अलग से स्टाइल नहीं किया है, नॉर्मल से ग्रैबरेल आप लोगों को मिल जाता है। और गाइज इधर पे जो की लगाने के स्लॉट आप लोग देख पा रहे हो, इधर से गाइज आप लोग जो छोटा वाला सीट है वो खोल सकते हो, और की कुछ इसी तरह की है, की भी काफ़ी प्रीमियम दिख रहा है। और गाइज रेडिएटर देख लो, रेडिएटर के ऊपर नियॉन कलर की स्ट्रिप दिया है, इससे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और लिक्विड कूल इंजन है, काफ़ी बड़ा रेडिएटर दिया है इस बाइक में। रेडिएटर के नीचे हॉर्न मिल जाता है, और गाइज एग्जॉस्ट पाइप के ऊपर एक प्रोटेक्शन दिया हुआ है, इससे अगर कोई स्पीड ब्रेकर में टच हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोटेक्शन दिया है मेटल का है, फाइबर का नहीं है। और गाइज इस बाइक में 6 गियर है, और कार्ब वेट है 166 kg, और ग्राउंड क्लियरेंस है 149 mm, और सीट हाइट है 842 mm। सीट हाइट काफ़ी ज़्यादा है, अगर शॉर्ट कोई है तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। मुझे डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा यूनिक है, ऐसा पहले कुछ बाइक में ऐसा डिज़ाइन कभी भी नहीं आया है। फ्रंट का लुक भी काफ़ी अच्छा है, और मडगट के ऊपर हस्कोभरना की बैजिंग मिल जाता है, लेकिन मडगट पूरा फाइबर का है। और गाइस और एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सस्पेंशन के ऊपर में ये जो फाइबर का पार्ट दिया है, इससे सस्पेंशन को थोड़ा प्रोटेक्शन मिलेगा धूल मिट्टी से। और गाइस इस बाइक में आप लोगों को लेग गार्ड भी मिल जाता है, लेकिन डबल स्टैंड नहीं है, सिंगल स्टैंड है इस बाइक में, और वायरिंग थोड़ा बाहर की तरफ है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत सारी जो वायरिंग वो बाहर से दिख रहा है, इससे थोड़ा लुक्स को खराब कर रहा है। और गाइस मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस बाइक पे, और नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को फुल राइड एक्सपीरियंस मेरा बताऊंगा, और आप लोगों को कोई क्वेरी रहेगा तो ज़रूर कमेंट में बताना। अगर गाइस आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, अगर वीडियो अच्छा लगे ज़रूर एक लाइक करके जाना। सो गाइस चलो ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग पे, सो बाय।